ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज में करते हैं, क्या क्या प्रकार के ब्लेंडर है, उसका प्रिंसिपल, मेक मॉडल और उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, कैपेसिटी, ऑपरेशन टाइप ए और टाइप बी, ये वीडियो में मैंने कवर किया है। तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, तो ये पूरी चीजें समझने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो ऑक्टागोनल ब्लेंडर आपने सुना ही होगा, जो ओजीबी बोलते हैं उसको, तो उसके यहाँ क्लास मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक टम्बलर क्लास है, एक रिबन सिग्मा है, हाई सीयर है और एक ऑक्टेगोनल है। तो टम्बल में इंक्लूडिंग ड्रम, ट्विन सेल, डबल कोन, आईबीसी, ऑक्टेगोनल। तो इसका जो प्रिंसिपल है, डिफ्यूजन एंड एक्सेल ब्लेंडिंग। डिफ्यूजन रेशंस डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चरर एंड मॉडल, डिस्ट्रीब्यूट मटेरियल अलॉन्ग एंड एवर चेंजिंग एंगल ऑफ रिपोज सरफेस। तो ये ब्लेंडिंग का जो प्रिंसिपल है वो डिफ्यूजन और एक्सेल ब्लेंडिंग है टम्बल क्लास का। दूसरा है रिबन और सिग्मा, इसका प्रिंसिपल है कन्वेक्शन मोर एक्सियल देन डिफ्यूजन। इनसाइड एंड आउटसाइड रिबन्स कन्वे मटेरियल इन अपोजिट डायरेक्शन, फोर्सिंग देम टू इंटरमिक्स। सिग्मा हैज नीडिंग एक्शन। ठीक है, जो सिग्मा क्लास का है वो नीडिंग एक्शन करता है। नेक्स्ट है हाई शियर, जो क्लास है हाई शियर का, शियर प्रिंसिपल होता है एक्सियल विथ लिटल डिफ्यूजन। मटेरियल्स आर थ्रोन अराउंड प्रोवाइडिंग ग्रेट मैकेनिकल पार्टिकल्स इंटरेक्शन एंड शियर। तो ये प्रिंसिपल ऐसे एक्ट करता है, लार्ज फ्लो वेलोसिटी एंड रैपिड मिक्सिंग। ठीक है, ये शियर मैकेनिज्म अप्लाई करता है। और जो ऑक्टागोनल ब्लेंडर है वो उसका प्रिंसिपल है डिफ्यूजन, डिस्ट्रीब्यूट मटेरियल अलॉन्ग एंड एवर चेंजिंग एंगल ऑफ रिपोज सरफेस। तो ये दोस्तों था प्रिंसिपल और उनके क्लास ब्लेंडर के। दूसरा एक क्लास है, जैसे कि यहां आप देख सकते हैं, मेन प्रिंसिपल डिफ्यूजन ब्लेंडिंग। डिफ्यूजन ब्लेंडिंग मतलब अप एंड डाउन जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, अराउंड एंड राउंड, मतलब गोल गोल और साइड में बाजू में, ये जो डिफ्यूजन ब्लेंडिंग का प्रिंसिपल है। और दूसरा है एक्सियल ब्लेंडिंग। एक्सियल ब्लेंडिंग मतलब साइड टू साइड, ठीक है, इसको एक्सियल ब्लेंडिंग बोलते हैं। तो टम्बल ब्लेंडिंग इज अ ड्यूअल एक्शन ब्लेंडिंग प्रिंसिपल। द फर्स्ट ब्लेंडिंग एक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेव एज अ मटेरियल इज टम्बल्ड। दिस वेव, वेव मतलब शियर प्लेन, ऑकर्स इन द टॉप 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट लोड। द सेकेंड ब्लेंडिंग एक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय द क्रैडल ओरिएंटेशन। आईबीसी इज द हेल्ड इन द ब्लेंडर एट एंगल ऑफ पोजिशन एंड आईबीसी हॉरिजेंटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू 20 डिग्री फ्रॉम द ब्लेंडर टम्बलिंग सेंटर लाइन। तो ये आईबीसी ब्लेंडर का दिया हुआ है। दिस जियोमेट्री प्लेसेस द आईबीसी सेल वॉल्स एट क्रॉस फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसिंग एंगल्स टू बी ब्लेंड एक्सिस, एक्टिंग एज बैफल्स एंड प्रोडक्ट इज टम्बल्ड। तो ब्लेंडर में बैफल भी होते हैं। बैफल इसलिए कि जो फ्लो आ रहा है प्रॉपर मिक्सिंग हो उसका, और उसको ब्रेक करने के लिए, तो डिफ्यूजन करना है, तो इसके लिए ब्लेंडर में बैफल भी होते हैं। यहां आपको ऑक्टागोनल ब्लेंडर की ऑक्टा मतलब इसमें जैसे कि हेक्सा छे उसमें एंगल होते हैं, ऑक्टा में 8 होते हैं, इसलिए ऑक्टा हेक्सा। तो ये अलग अलग मॉडल है, उनकी ये कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेसिटी है और ये ब्लेंडर आरपीएम है। जैसे ऑक्टागोनल ब्लेंडर 100 लीटर का है, तो कैपेसिटी है उसकी 100 लीटर ग्रॉस में, और वर्किंग कैपेसिटी है 60 लीटर।
और उसका आरपीएम रहेगा 5 से 22 तक। ऐसे ही 150, 200, 250, 300, 500 और 600 लीटर के लिए सेम यहाँ मॉडल कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी और आरपीएम दिया गया है। तो ये मेक आता है इसका, जैसे कि सिंघानिया का है, केविन का आता है, गैंसन का आता है, ठीक है, और मॉडल इसका होता है जीएमपी मॉडल। तो कितने टाइप के ब्लेंडर है, तो फर्स्ट ब्लेंडर है ऑक्टागोनल ब्लेंडर, दूसरा है मास ब्लेंडर, तीसरा है वी टाइप ब्लेंडर, चौथा टाइप है डबल कोन ब्लेंडर और फिफ्थ टाइप है वर्टिकल ब्लेंडर। ये पांच टाइप के ब्लेंडर है, बीन ब्लेंडर भी बोलते हैं जो छोटा सा ब्लेंडर होता है। तो ये पांच टाइप के ब्लेंडर है दोस्तों, और ये एसओपी है ऑक्टागोनल ब्लेंडर की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ऑफिसर प्रोडक्शन जो भी है, क्यूए आईपी क्यूए, इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अकाउंटेबिलिटी होती है क्यूए और कंप्लायंस प्रोडक्शन हेड इनकी। तो इंश्योर दैट द इलेक्ट्रिक सप्लाई इज डिसकनेक्टेड बिफोर स्टार्ट द क्लीनिंग एक्टिविटी। जब भी हमको क्लीनिंग करना है उससे पहले हमको इलेक्ट्रिक सप्लाई डिस्कनेक्ट करना है। पीपीई पहनने हैं, पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ठीक है, इंश्योर सेफ्टी गार्ड एंड ऑल क्लैम्स आर टाइटन बिफोर ऑपरेशन। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अगले वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और मेरे चैनल के या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अदर्स वीडियो की भी लिंक्स है, तो आप वो चेक करके भी बाकी की वीडियो देख सकते हैं, और आई बटन में जो दूसरे वीडियोस की भी लिंक दी है तो आप वो रेफर करके दूसरे वीडियो देख सकते हैं। तो ये क्लैम्स और साइड गार्ड्स हमको खोलने हैं। इंश्योर दैट द सेफ्टी क्लैम्स आर टाइटन बिफोर ऑपरेशन, हाँ ऑपरेशन करने से पहले हमको ये टाइट करके क्लोज करने हैं। और ध्यान रखना कि ब्लेंडर की जब भी ऑपरेशन करना है तो ब्लेंडर अपने होम पोजीशन में स्टॉप होना चाहिए। अगर होम पोजीशन में स्टॉप नहीं है तो आपको होम पोजीशन, बहुत लोगों को ये भी नहीं होता पता कि होम पोजीशन क्या होती है। होम पोजीशन मतलब आपका डिस्चार्ज एकदम ब्लेंडर के मिडल में बीचों बीच आएगा, ठीक है, जो चार्जिंग पॉइंट है वो अप में रहेगा टॉप में, और जो डिस्चार्ज है वो एकदम सेंटर में आएगा, तो वो उसकी पोजीशन होम पोजीशन बोलते हैं। ऑल लिमिट स्विचेस आर वर्किंग प्रॉपरली बिफोर ऑपरेशन, चेक द क्लीन लेवल अफिक्स ऑन द ब्लेंडर, और जो क्लीनिंग हुई है टाइप ए हो या टाइप बी हो वो लॉग बुक में एंट्री होनी चाहिए। टाइप बी क्लीनिंग स्वैब, अगर टाइप बी क्लीनिंग में आप ऑपरेशन कर रहे हो मतलब आफ्टर टाइप बी, तो आपको स्वैब और रिंस गया है और वो क्यूसी से रिलीज है वो आपको इंश्योर करना है, और उसकी क्लीननेस विजुअली चेक करनी है। तो सेटअप है ट्रांसफर द बैफल इनटू द ब्लेंडर एंड अलाइन इट, जो बैफल है आपको पहले लगा देना है। फिक्स द लॉकिंग क्लैंप ऑफ टॉप कवर अलोंग विद द एसएस रिंग एंड गैसकेट ऑन द टॉप कवर एंड लॉक द क्लैंप्स। क्लोज बटरफ्लाई वॉल, बटरफ्लाई वॉल आपको प्रॉपरली बंद कर देना है, सेफ्टी गार्ड्स बंद कर देने हैं। लिमिट स्विच ऑपरेशनल मोड में लेना है पीएलसी। कनेक्ट द मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड स्विच ऑन करना है। तो ऑपरेशन कैसे करना है, चेक द क्लीनलीनेस ऑक्टागोनल ब्लेंडर, देयर शुड नॉट बी एनी रेसिड्यूज ऑफ प्रीवियस प्रोडक्ट, बटरफ्लाई वॉल शुड बी इन क्लोज पोजिशन, स्विच ऑन करना है। लोड द मिल्ड ग्रैन्यूल्स इनटू द ब्लेंडर, तो आप मैन्युअली करते हो तो मैन्युअली लोड करना है ब्लेंडर में। अगर आपके पास वीटीएस है वैक्यूम ट्रांसफर सिस्टम तो उससे ट्रांसफर करना है ब्लेंड। क्लोज अपर लीड एंड लॉक थ्रू द क्लैंप्स, क्लोज द सेफ्टी गार्ड्स सो दैट लिमिट स्विच गेट्स इन ऑपरेशन। सेट द टाइमर, टाइमर आपको जो जितने मिनट के लिए ब्लेंडिंग करना है, प्री लुब्रिकेशन हो या लुब्रिकेशन हो, तो वो पीरियड हमको पीएलसी में सेट कर देना है एज पर बीएमआर।
Start the blender in specified limit as per the procedure. When blending is over, get the unloading end in proper position for unloading and switch off the electric supply. तो जैसे ही समझ लो 8 मिनट के लिए आपकी ब्लेंडिंग हो रही है, तो 8 मिनट खत्म होने के बाद आपका ब्लेंडर होम पोजीशन में आके बंद हो जाएगा. इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ कर देना है. अनलोड द मटेरियल बाय ऑपरेटिंग बटरफ्लाई वॉल इन कोंटा बीन और इन अ एचडीपी कंटेनर. आप जिसमें भी अनलोडिंग आपके यहाँ जो प्रोसीजर होगी उसमें आपको ब्लेंड अनलोड करना है. रिकॉर्ड द ऑपरेशन डिटेल्स इन लॉग बुक. After unloading material affix to be clean status label on blender. और cleaning आपको जो pre-validated cleaning procedure है उसके हिसाब से cleaning करनी है. तो यहां हम लोग देखते हैं type A और type B. Type A cleaning जो batch to batch में type A होती है और type B cleaning product to product में होता है. क्लीनिंग ड्यूरिंग द बैच चेंज ओवर ऑफ सेम प्रोडक्ट. तो ये कब कब होती है, जब सेम प्रोडक्ट हो, लोअर स्ट्रेंथ टू हायर स्ट्रेंथ हो और कलर फ्लेवर सेम होना चाहिए. अगर लोअर टू हायर जा रहे हो आप, तो आपका कलर और फ्लेवर सेम होना चाहिए. मोस्ट मेंटेनेंस ऑफ नॉन प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पार्ट्स. और समझ लो पोस्ट मेंटेनेंस ऑफ नॉन प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पार्ट्स. अगर नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट्स का मेंटेनेंस वर्क हुआ है तब आप टाइप ए करना है. तो टाइप ए के लिए डिसकनेक्ट द इलेक्ट्रिक सप्लाई करना है, टू बी क्लीन लेवल निकाल देने हैं, अनलॉक द क्लैंप्स, सेफ्टी गार्ड, ओपन द टॉप लीड, बटरफ्लाई वॉल, क्लीन अबोव डिसमेंटल पार्ट्स इन अ ड्राई लिंट फ्री क्लॉथ, डीडस्ट करना है पहले, क्लीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द ब्लेंडर बाय यूजिंग द ड्राई लिंट फ्री क्लॉथ एंड वैक्यूम क्लीनर. Clean the operating panel and electric cable with a dry lint free cloth. Check for visual cleanliness and clean parts if any loosely stick material of previous batch observed, then repeat the same process. फिर से हमको dry lint free cloth से करनी है. फिर बाद में clean label लगा देना है और logbook में entry करनी है. तो इसकी फ्रीक्वेंसी है, टाइप ए क्लीनिंग शैल बी डन आफ्टर एवरी बैच. जब भी बैच खत्म होता है उसके बाद हमको टाइप ए क्लीनिंग करनी है, टिल कंप्लीशन ऑफ द 9 बैचेस इन कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग विद इन 7 डेज. मतलब 7 डेज या 9 बैचेस, मतलब जो भी जल्दी आएगा. जैसे पहले 7 दिन हो गए तो आपको जैसे कि टाइप ए क्लीनिंग शैल बी डन आफ्टर एवरी बैच टिल कंप्लीशन ऑफ 9 बैचेस. मतलब 9 बैचेस खत्म होने से पहले आप, मतलब जो भी आ रहा है तो टाइप ए करना है, और 9 बैचेस या 7 दिन हो गए तो आपको फिर टाइप बी क्लीनिंग करना पड़ेगा. तो जैसे कि क्लीनिंग चेंज ओवर डिफरेंट प्रोडक्ट्स विथ डिफरेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, कलर है, फ्लेवर है, हायर टू लोअर स्ट्रेंथ है, और पोस्ट मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट पार्ट्स व्हेन नेक्स्ट प्रोडक्ट इज नॉट नोन एंड आफ्टर फ्यूमिगेशन. तो टाइप बी के लिए इतनी सारी कंडीशंस है, जो जैसे फॉगिंग हो गई, कॉन्टैक्ट पार्ट्स का मेंटेनेंस हो गया, स्ट्रेंथ चेंज हो रही है, कलर फ्लेवर चेंज है, एपीआई चेंज है, तो हमको टाइप बी करना है. तो टाइप बी के लिए हाई प्रेशर वाटर जेट सिस्टम जो है, कार्चर मशीन यूज होती है बहुत जगह. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको टू बी क्लीन लेवल लगाना है, इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर देना है, इलेक्ट्रिक पार्ट्स के ऊपर पॉलीबैग रैप कर देनी है, ओपन द टॉप लीड एंड बटरफ्लाई असेंबली एंड बैफल, वाइप रेसिड्यूअल पाउडर बाय लिंट फ्री क्लॉथ और वैक्यूम क्लीनर, कनेक्ट द पोर्टेबल वाटर पाइप टू द मशीन. जो कार्चर मशीन है उसको पोर्टेबल वाटर की पाइप कनेक्ट कर देनी है. पोर्टेबल वाटर ऑफ द ऑन द इक्विपमेंट इनर एंड आउटर सरफेस टाइम दिया गया है एज पर एसओपी, और उसका जो कार्चर मशीन है उसका प्रेशर है 75 kg पर cm स्क्वायर. ठीक है, पोर्टेबल वाटर आपको 50 लीटर तक यूज करना है. क्लीन द बटरफ्लाई वॉल, बैफल, टॉप लीड इन वॉश एरिया.
विथ पोर्टेबल वाटर, 2-3 मिनट के लिए जो भी एसओपी आपकी डिफाइन की होगी, और प्रेशर है 75 kg पर cm². पोर्टेबल वाटर 30 लीटर तक यूज करना है। फिर आपको विजुअली चेक करना है कि ये पार्ट्स क्लीन हुए कि नहीं हुए। अगर टॉर्च की जरूरत है आपको, जो हार्ड टू क्लीन पार्ट्स है, तो टॉर्च यूज करके भी आप वो पार्ट साफ करने हैं। कनेक्ट द कार्चर मशीन विथ प्यूरिफाइड वाटर। फिर बाद में पोर्टेबल वाटर का पाइप चेंज करके आपको प्यूरिफाइड वाटर का पाइप लगाना है, और जो क्लीन हुए है पार्ट्स उनको प्यूरिफाइड वाटर से रिंस करना है 1 मिनट तक। प्रेशर है सेम 75 kg पर cm², और प्यूरिफाइड वाटर लगभग आपको मारना है 10 लीटर। क्लीन द ऑपरेटिंग पैनल केबल ड्राई लिन फ्री क्लॉथ से करने हैं। फाइनली मॉप द एरिया विथ 70% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आईपीए। आफ्टर विजुअल चेकिंग हमको टीआरएफ रेज करना है, टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर रिंस और स्वैब सैंपल के लिए। और जैसे ही स्वैब रिलीज और रिंस रिलीज आएगा क्यूसी से, तो आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट लाइन क्लियरेंस करके लेना है। टाइप भी क्लीनिंग है। शैल बी परफॉर्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 9 बैचेस इन कैंपेन मैन्युफैक्चरिंग और 7 डेज विच एवर इज अर्लियर और वेन एवर रिक्वायर्ड, और जब भी हमको जरूरत है तो। मतलब 9 बैचेस लो या 7 दिनों, जो भी पहले आएगा उसके बीच में आपको टाइप भी करनी है। इफ क्लीन इक्विपमेंट्स आर नॉट यूज विद इन 48 आवर्स, अगर आपके क्लीन इक्विपमेंट्स है, इसको बोलते हैं क्लीन इक्विपमेंट होल्ड टाइम स्टडी। तो ये अगर 48 आवर्स तक आपका इक्विपमेंट क्लीन कंडीशन में है और यूज नहीं हुआ, तो आपको टाइप बी क्लीनिंग करनी है। तो दोस्तों, ये था ऑक्टागोनल ब्लेंडर। आपको इसमें प्रिंसिपल बताया मैंने, मेक मॉडल, उनकी कैपेसिटी, आरपीएम, ऑपरेशन कंडीशन, होम पोजीशन, और क्लीनिंग की प्रोसीजर टाइप ए टाइप बी, और यहाँ प्रिंसिपल उनके क्लास भी मैंने बता दिया है आपको। मेन प्रिंसिपल आप देख लो, डिफ्यूजन, कन्वेक्शन, शेयर, ये उनके प्रिंसिपल्स हैं। ये ब्लेंडर आपने देखा ही होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और फायदेमंद होगी। फिर भी इस वीडियो के रिलेटेड आपके कोई डाउट्स है, कुछ कंफ्यूजिंग है, तो आप मुझे कमेंट्स करके आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक अपना प्यार बरकरार रखिए। जय हिंद, जय भारत।